बादबान कश्ती इल्म शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर क्यूम हुसैन साहब, निशस्त पर बैठे मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले प्रिंसिपल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा कुमारी सोम दी गई है, लिहाजा इसको अमली जामा पहनाने के लिए मैं आप पागू हूँ रबे शह जी। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ तालीमियात ने इंडिविजुअली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से मुनाकिद किया है और इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में इस कॉलेज की बुनियाद सन 1937 में डाली गई। बड़े बड़े असातिज़ा दानिश्वर आलिम और उद्यमी रहा है और इस दुआए नज़्म को पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ट्वेंटी पे है जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड वेरी आस्पेक्ट एक्चुअली द फीचर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिस्कस इन दिस एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एंड वी आर लुकिंग व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैम एंड डेलीबरेशन ऑफ द टू डेज कॉन्फ्रेंस विल बी यूजफुल एक्चुअली इन फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP 2020. If you want anything, बच्चों के लिए जो मैसेज है कि NEP 2020 की जो फीचर्स हैं वो टुगेदर विद दी मेन सब्जेक्ट स्टडी, इसमें जो स्किल इन्हांसमेंट और एबिलिटी इन्हांसमेंट के कोर्सेज हैं उसके ग्राउंड पे बच्चे अगर जॉब भी गवर्नमेंट का नहीं पाते हैं तो वो अपने ओन रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, अपने ओन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के इसमें फैसिलिटीज़ हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज़ और टेक्निकल कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो वोकेशनल कोर्सेज़ के ज़रिए आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप के दिस पॉलिसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द कंट्री डेवलपमेंट।